आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। उत्तराखंड खबर की टीम ने हर्षपति रयाल से की खास मुलाकात। आइए जानते हैं क्या कुछ खास कहा है उन्होंने इस खास मुलाकात में। एक लिपि बनाई है मैंने जी। जो कि उत्तरांचली लिपि के नाम से ही मैंने बनाई है और संभवतः ये जानी भी जाएगी जी। ये लिपि प्रतिनिधित्व करेगी मुख्यतः पहाड़ की तीन बोलियों का, उनमें है कुमाऊनी है, गढ़वाली है और जौनसारी है जी। और ये लंबे समय से मुझे लगा कि भाई हम बोलते हैं इसको लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं, हमारा एक प्रॉपर लिपि में कोई साहित्य नहीं है, तो क्यों ना इसके लिए एक कोई ऐसा प्रयास किया जाए। और संयोग ऐसा हुआ सर कि एक बार एक पुराना घर था हमारा, क्योंकि हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था दूसरी जगह, मेरे पिताजी ने, वो घर रह गया था, वो टूट गया बीच में। टूट गया तो मैं बीच में जब घर आया अपने विद्यालय से तो देखा कि सारा सामान वहाँ बर्बाद हो रहा है। उनमें से एक अलमारी थी हमारी जो लकड़ी की बनती थी उस समय, उस अलमारी को मैंने चाहा कि इसमें से कुछ अगर हिसाब बचत होता है तो उसको बचा लो। मैं जैसे मैंने उसको खोला, उसमें से कुछ कागज जो बिल्कुल दीमक ने और सड़ गए थे वो नीचे जब गिरे, तो वो ऐसा कोई भी पत्र उसमें ऐसा नहीं था जो कि किसी पढ़ने योग्य या इकट्ठा करने योग्य था, लेकिन बिखरते हुए कुछ चीज़ें मुझे नज़र आई। उनमें कुछ घरेलू पत्र मालूम होते थे जो कि क्योंकि वो संयोगवश ही समझिए इसको, या जो काम होना है उसके लिए कुछ ऐसे प्रतीक पहले ही ईश्वर देता है कि इस पर चल करके आपको काम करना है, तो वहाँ पर उन कागजों में मुझे कुछ नाम मिले और कुछ मुझे संकेत मिले, तो उनको देख करके जितना उनमें था उससे परिचित होता था कि वो घरेलू पत्र थे। और एक पत्र पौड़ी गढ़वाल का आमड़ी गांव है, तल्ला ढांगू में पड़ता है संभवतः, और वहाँ से था, तो वहाँ के थे, खैर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो, मैं लेकिन लिखा है मैंने वो क्या शंकर हैं कुछ ऐसे नाम के थे वो। एक जो है यहाँ साबली टिहरी गढ़वाल में है, वहाँ से भी, ये भी मुझे इस समय नाम याद नहीं हो रहा है उनका। वो मेरे बूढ़ दादा थे, मेरे दादाजी के पिताजी दुर्गादत्त जी, उनको आए हुए पत्र थे वो, उनको एड्रेस किए गए थे, और उन पत्रों के अवशेष में कुछ संकेत जो कि देवनागरी लिपि से हट करके मुझे लगे। वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई एक गढ़वाली की चिट्ठी पत्री थी वो, उनमें कुछ चिन्ह जो ऐसे लगे मुझे, वो चिन्ह संभवतः मैंने अपना जो ये कागज़ बना रखा है उसमें भी बनाया है। उनमें चार पांच जो हैं वो, जैसे अव था, अण था, अक्ष था, स्र था, त्र था, ज्ञ था, ज्ञ नहीं ज्ञ, जो हम पढ़ते हैं अक्षर ज्ञ वाला नहीं बल्कि ज्ञ वो था। वो मैं कैसे कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मैं जो बनाए नहीं थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका जो सेंस मिल रहा था उस पत्र के आधार पर, तो मैं समझा कि ये ऐसे होंगे, क्योंकि अच्छा एक सवाल और है जी सर, जैसे कि आजकल की जो पीढ़ी है उनको थोड़ा डाउट है कि ये लिपि और भाषा क्या है ये जी। लिपि तो अब है, ये सृजित हुई है लिपि, ये तो उत्तरांचली के नाम से जानी जाएगी क्योंकि तीनों बोलियों का प्रतिनिधित्व करेगी। भाषा क्या है, भाषा तो हम चला ही रहे हैं, भाषा तो चल रही है, जब से हम लोगों ने होश संभाला होगा, जिसने भी जहाँ जन्म लिया होगा वहाँ की जो लोकल बोली हम उसको बोलेंगे, भाषा तो नहीं बोल पाएंगे अभी, लेकिन जो लोकल बोली है उसको तो सब बोल ही रहे हैं, उसी का प्रतिनिधित्व इसमें किया गया है। तो भाषा तो मैं समझता हूँ कि भाषा का एक जो प्राइमरी उसका पार्ट है या प्राइमरी उसका जो अभ्यास है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर भाषा का दर्जा दिलाने के लिए जो हमारे संवैधानिक एक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में हमारी व्यवस्था ये थी कि हमारे पास लिपि नहीं थी, आज हमारे पास लिपि तैयार हो गई है, तो अब ये भाषा बन सकती है। तो जैसे ये भाषा है अब, मतलब जैसे आपने ये लिपि में काम करा हुआ है जी, तो कितना इसमें टाइम लगा आपने, क्या, टाइम, क्या सोच के आपने टाइम, जी हाँ सोच करके तो यही हुआ कि ये मुझे पहले से ही लगता था इस बात को कि देखिए जो भी 14 भाषाएं जो है, जब हमारा संविधान हुआ तो उसमें जो है उनको उल्लेखित किया गया कि 14 भाषाएं जो है मान्यता, उसके बाद में 4 भाषाएं और बढ़ी, अब आज जो है 18 भाषाएं हैं, तो क्यों ना हम जिसको बोल रहे हैं
जब छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे क्षेत्र है, उनकी भाषा बन सकती है, बोडो बन सकती है, इधर जो है पंजाब की ये गुरमुखी बन सकती है, आसाम की बन सकती है, तो हमारी गढ़वाल की क्यों ना बने। ये तो एक जिसको कहते हैं प्रेरणा, ये मुझको बहुत पहले से ही विद्यार्थी जीवन से ही थी इसी को। और फिर इसी मतलब इसी उसको समझिए, ललक को समझिए, इसी प्यास को समझिए, थोड़ा सा हवा देने का काम किया इन वर्णों ने, जो कि मुझको अपने घर में मिले। जी आप तो पहले हमारी जनता को ये बताना है कि आप पहले मूल रूप से कहाँ से हो, और आपने मतलब किस क्षेत्र में शुरू से पहले मतलब जो आपका काम रहा क्या रहा, क्योंकि ऐसा काम तो कोई वैसा आदमी तो कर नहीं सकता जिसको रुचि भी ना हो। हाँ खैर, ये तो मान के ही चलना चाहिए हमको कि बिना रुचि का कोई काम होता भी नहीं है, और अगर उसमें किसी ने प्रयास किया भी तो संभवतः वो श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर सकता है। मैं मूल रूप में रहने वाला टीरी गढ़वाल का दोगी पट्टी है, और उसमें एक गांव है बुगाला, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और 16 जून 1945 को मेरा जन्म हुआ। और जन्म के होते क्योंकि हम पहाड़ी तो हैं, और वहीं जो हमारा गांव का विद्यालय था प्राथमिक स्तर पर मैंने वहाँ पढ़ा, उसके बाद में जूनियर हाई स्कूल तक जो है फिर वहीं से लगा हुआ गुलर, एक जगह है गुलर धोगी में मैंने जूनियर हाई स्कूल किया, उसके बाद में ऋषिकेश हमारा सबसे नज़दीक का स्थान है जहाँ से कि हाई स्कूल या उससे ऊँची, तो उसके बाद में हाई स्कूल से लगा करके और पीजी तक मानिए कि मैंने ऋषिकेश से ही किया। फिर इसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी पुरोहित रहे हैं, उन्होंने जो है ये काम किया है, तो उन्होंने मुझको एक बार एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जो किताब उनमें भी था कि उत्तम खेती मध्यम भाव निश्चित चाकर भीख निदान, तो हम उनके इस उस पर खड़े तो नहीं उतर पाए कि हम नौकरी न करें, लेकिन नौकरी करने के लिए मैंने ये सोचा कि कौन सी नौकरी कितना बढ़िया होगी कि उनकी ये जो अपेक्षाएँ हैं वो पूरी तो हम नहीं कर पाए लेकिन थोड़ा तो कुछ उस पर जाएँ। तो एक बार उन बात में ही उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा देना और लेना ब्राह्मण का धर्म होता है, तो बस यही मैंने पकड़ा, और मैंने जो है उसके बाद में ट्रेनिंग की और 1968 में मैं अध्यापक बन गया। जी तो अब आज की जो पीढ़ी है, आपके भी नाती पोते हैं सबके ही हैं, तो आजकल की पीढ़ी थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गई, जैसा व्हाट्सअप का जमाना चल गया, फेसबुक का चल गया, तो आपकी तरफ से क्यों कोई मैसेज देना चाहोगे आप? जी मैसेज तो मैं मैसेज देने के लायक तो नहीं समझता हूँ अपने को, लेकिन प्रार्थना करने के लायक जरूर समझता हूँ कि आज की पीढ़ी मेरे अपने अवलोकन से, मेरी अपने जो वो है मानक मैंने जो निर्धारित किए हैं उनके आधार पर मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी पीढ़ी, हम तो कह रहे हैं कि ये विकसित हो रही है और ये बढ़ रही है, लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत हिसाब से हम बढ़े तो नहीं हैं बल्कि पथभ्रष्ट जरूर हुए हैं, अन्यथा न लीजिए मेरी बात को और न सुनने वाले ले और न आने वाली पीढ़ी। मैं इस आधार पर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि हम न तो रहे जहाँ के हम मूल रूप में थे, जो हमारा मूल था वो, और न हम वो बन पाए जहाँ के हमको इस समय हम अपने को मान रहे हैं। तो इस दुविधा की स्थिति में ये हमारी जनरेशन चल रही है, मैं उनसे आग्रहपूर्वक कहूँगा और अधिकार पूर्वक इसलिए कहूँगा कि मैं अध्यापक भी हूँ और एक बुजुर्ग भी हो गया हूँ, तो मैं कहूँगा कि आप बढ़िए, जो बिल्कुल आधुनिकता है उस पर चलिए, लेकिन आधुनिकता के साथ आप अपनी प्राचीनता को न भूलिए, क्योंकि आधुनिकता उस प्राचीनता की सीढ़ी से ही आगे बढ़ी है, न कि आधुनिकता की सीढ़ी पर प्राचीनता है, बस इतना ऐसा ही कहूँगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपने उत्तराखंड खबर के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।